तफसीर इब्ने कसीर में सैयदना मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम का एक वाकया मिलता है। उन्होंने अल्लाह अकमुल हाकिमीन से कहा, या रब, मैंने आसमानी किताब में एक ऐसी उम्मत का तज़करा पढ़ा है जो दुनिया में सबसे आखिर में आएगी और जन्नत में सबसे पहले चली जाएगी। या अल्लाह, वो उम्मत मुझे नसीब करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, ये उम्मत मेरे आखिरी नबी की है। आप और मैं कभी इसी बात पे तवज्जो दे लें, हम कितनी गफलत में फिरते हैं, कितनी गफलत में फिरते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कितना इनाम किया हुआ है, कितना करम है उसका और फजल कितना है, एहसान कितना है। नबी कायनात अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूबा लिमन रानी वहाम नबी व तूबा सब अमर्रात लिमन लम यरानी वहाम नबी। मुझे देख के ईमान लाने वाले को एक खुशखबरी और बिना देखे ईमान लाने वाले को सात खुशखबरी। आपने तो अल्लाह को नहीं देखा है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लम को तो नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के फजल से आप सबका ईमान है ना, हम सब का ईमान है। लेकिन मैं इतना जरूर कहने का हक रखता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने का मतलब यह है, अपनी जुबान से इकरार कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने दिल से तस्लीम कर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आमाल से साबित करके दिखा के तू नबी कायनात का उम्मती। किसी भी चीज पे ईमान रखने का मतलब ये तीन काम होते हैं। सबसे पहले तू अपनी जुबान से इकरार कर, और वो अल्लाह के फजल से आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको जरा दिल से तस्लीम कर और फिर अपने आमाल के जरिए इसको साबित करके दिखा, वगरना उस वक्त के पछतावे का कोई फायदा नहीं जब तू हौजे कौसर पे पानी पीने के लिए जाए, जब कोई उम्मती हौजे कौसर से दस्ते शफकत से पानी पीने के लिए जाए और नऊज बिल्ला वहां दीवार खड़ी कर दी जाए और नबी कायनात ये कह दे, सोहकन सोहकन इस बदबख्त को मेरी आंखों से दूर करो, इसने तो मेरे उम्मती वाले काम ही नहीं किए। उस वक्त का पछतावा किसी काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। आज फुर्सत है, आज सोचिए कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कितना इनाम दिया। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़करा भी पढ़ा है जो आसमान से नाजल होने वाली तेरी पूरी की पूरी कलाम को याद कर ली। बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीन उतुल इल्म, उनके सीनों में कलामे इलाही महफूज होगा। या अल्लाह, वो कितने खुश नसीब लोग हैं, यही उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया, नहीं मूसा, ये उम्मत भी मेरे आखिरी नबी की। आठ चीजें जिक्र की मूसा अलैहि सलाम ने कायम का में। उसके बाद पता क्या कहा? कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे वो उम्मत अता नहीं करता तो मुझे उस उम्मत का उम्मती बना दे जिसके तुम और मैं उम्मती बने बैठे। हमारा कोई अल्लाह पे एहसान है कि उसने हमें नबी सल्लम का उम्मती बना दी? फिर हमने कभी क्यों नहीं सोचा है? हमने अपने आमाल से कभी ये साबित क्यों नहीं किया? मेरे चेहरे पे दाढ़ी सुन्नत रसूल समझ के क्यों नहीं आती? मेरी जुबान नबी कायनात अलैहि सलातु वस्सलाम की सीरत और सूरत को बयान करते हुए उस पे अमल करने के लिए नऊज़ बिल्ला क्यों रुक जाती है? मेरी शलवार टखनों से ऊपर क्यों नहीं जाती? जब तरावी की नमाज हो रही होती है मैं क्यों छोड़ के फेसबुक खोलता हूँ? मैं क्यों व्हाट्सएप पे लगा रहता हूँ? मैं क्यों नबी कायनात की सुन्नत को छोड़ देता हूँ? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी। कोई शख्स इमाम के साथ खड़ा हो जाए, वो नमाज तरावी पढ़े, जब इमाम सलाम फेरता है, फरमाया, तू सलाम फेर के उसके साथ सो जा, अल्लाह फजर की नमाज तक तुझे तहज्जुद का सवाब अदा करे। आज ये कहता है, मौलवी साहब भी कह देते हैं, पर केड़ी वाजिब है जी, छड़ो, सुन्नत ही तो है, मुस्ताहब ही तो है, पढ़ लो तो पढ़ लो, ना पढ़ो तो खैर है। इसका पछतावा तब होगा जब कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में जाए।